जो सबसे टफेस्ट सवाल था जेईई एडवांस 2023 का, उसको मैं एनालाइज करने वाला हूँ. दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स कंबाइंड, बेसिकली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ गैस. तो द रीजन आई एम टेकिंग अप दिस वीडियो इज बिकॉज जब मैंने दिस क्वेश्चन इज बिकॉज जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरा आंसर जो आया इट वॉज अ लिटल डिफरेंट देन वॉट आई सॉ ऑन द अदर यूट्यूब चैनल्स दैट पीपल आर गिविंग. सो माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी दिस एंड अदर्स का थोड़ा सा आंसर फर्क आ रहा है. तो आई जस्ट पुट आउट अ वीडियो इन दिस इस वीडियो में आई जस्ट शो माय सॉल्यूशन एंड हाउ आई एम अराइविंग एट दिस आंसर. अब जेईई क्या करेगा वील हैव टू वेट एंड वॉच, वील सी व्हाट्स व्हाट. बट मेरे हिसाब से आई थिंक मतलब आई एम प्रीटी सर्टन जेईई के फर्स्ट आंसर की में, एटलीस्ट फर्स्ट ऑफिशियल आंसर की में ये 47.1 आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 16 दिस पेपर 2. सो डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली मतलब देर इज नो राइट आर रॉन्ग हियर एक्चुअली. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं सही हूँ या दूसरे सही है वो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन क्या अजम्पशन लिया है, कितना अप्रोक्सीमेशन किया है, उस हिसाब से दोनों आंसर आ सकते हैं. सो आई थिंक अल्टीमेटली जेईई दोनों आंसर करेक्ट दे देगा या पूरा रेंज दे देगा, लाइक 45 to 65 ऐसा कुछ रेंज दे देगा, या वी डोंट नो मे बी बोनस भी कर देगा. यू कांट से एनीथिंग. ऑन एंड ऑल बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर इफ ऑल द 2024 एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस, अगर मैं एक स्टूडेंट होता सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वुड हैव लेफ्ट द क्वेश्चन. सो बिकॉज द होल पॉइंट इज दैट वी डोंट नो व्हाट द जेईई पेपर सेटर्स आर एक्सपेक्टिंग अस टू मेक, व्हाट अजम्पशन दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू मेक. ठीक है. सो इन एनी केस लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैंने जिस तरीके से किया है आई विल शो यू गाइस एंड वी विल सी. तो व्हाट इज द क्वेश्चन यहाँ पर. यहाँ पर एक फर्नेस है. This is a furnace. We have air entering the furnace at 300 Kelvin and atmospheric pressure PA hai is level pe. So air enter kar raha hai and the furnace is heating the air to temperature 360 Kelvin. Theek hai. तो फर्नेस इज हीटिंग द एयर टू 360 केल्विन एंड देन द हॉट एयर राइजेस अप दिस चिमनी. ये मेरा चिमनी है, उसका हाइट दिया हुआ है. द हॉट एयर राइजेस अप द चिमनी एंड कम्स आउट. तो मेरा एम है कि किस वेलोसिटी से वो निकलेगा. लेट्स से यहाँ पर एयर का जो वेलोसिटी है, लेट्स से दैट वेलोसिटी इज V1 हियर एंड यहाँ आते आते लेट्स से इट इज V2. ठीक है. तो V2 मुझे निकालना है एंड देन द क्वेश्चन वाज आस्किंग हाउ व्हाट इज द मास फ्लो रेट, रेट ऑफ मास ऑफ एयर फ्लोइंग आउट ऑफ दिस चिमनी. ठीक है. तो एक बार V2 निकल जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा. ओके. सो V2 निकालने के लिए यू कैन इमेजिन कि मुझे थोड़ा सा बर्नौलीस वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा. सो थोड़ा सा पहले केयरफुली देखते हैं. यहाँ पर इस चिमनी में द क्वेश्चन सेड दैट यू कैन अज्यूम द डेंसिटी ऑफ द एयर टू बी अ कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर ऑल्सो टू बी अ कॉन्स्टेंट. सो डेंसिटी कॉन्स्टेंट मान लिया मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है एंड टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट मान लिया तो उसका इंटरनल एनर्जी भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है. वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल हियर बिकॉज गैस है, गैस का इंटरनल एनर्जी ऑल्सो हैज टू बी टेकन इन टू अकाउंट इन बर्नौलीस इक्वेशन, जो अपन बाद में थोड़ा सा और देखेंगे. बट फॉर द फ्लो इन साइड द चिमनी बिकॉज द डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, वी कैन जस्ट अप्लाई अ स्टैंडर्ड बर्नौलीस इक्वेशन. सो यहाँ पर वेलोसिटी, अगर मैं एक स्ट्रीमलाइन यहां से यहां कंसिडर करूं जस्ट आउटसाइड फ्रॉम हियर टू जस्ट आउटसाइड द चिमनी, यहां पे वेलोसिटी V1 है और यहां पे वेलोसिटी V2. तो इसका डायमीटर D दिया था सो दैट वाज मच ग्रेटर देन द डायमीटर हियर. तो वी कैन से कि V1 इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर्ड टू V2 जस्ट बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो वो मैं बोल सकता हूँ. इफ आई अप्लाई बर्नौलीस इक्वेशन हियर एंड हियर, द क्वेश्चन ऑल्सो सेड कि पूरे फर्नेस के अंदर द प्रेशर कैन बी टेकन टू बी PA, द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल. तो वो क्वेश्चन में बोला गया था कि यहां पर सब जगह कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रहा है. सो द प्रेशर हियर इज PA. सो लेट मी राइट बर्नौलीस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो इस पॉइंट पे प्रेशर इज PA प्लस इस हाइट को मैं जीरो लेवल मानता हूँ और इसका वेलोसिटी V1 इज मच स्मॉलर देन V2 तो वो वेलोसिटी में निगलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है. शुड बी इक्वल टू द प्रेशर हियर विच वुड बी सम प्रेशर P, लेट्स से यहाँ पे प्रेशर मुझे पता नहीं है, प्लस डेंसिटी ऑफ गैस अभी रो है. नो डेंसिटी ऑफ गैस
डेंसिटी ऑफ एयर रहा, डेंसिटी ऑफ द एयर आउटसाइड रो ए दिया था, बट दैट वॉज एट टेम्परेचर 300 केल्विन. दिस डेंसिटी विल बी डिफरेंट बिकॉज ये अभी हॉट एयर है ब्लोइंग एट टेम्परेचर 360 केल्विन. तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे. लेट मी कॉल दैट टेम्परेचर, लेट मी कॉल दैट डेंसिटी रो. सो प्रेशर प्लस रो जी एच, ठीक है, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स द हाइट डिफरेंसेस एच प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर. ये अपना स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन. अब ये जो प्रेशर है जिससे निकल रहा है, वी कैन अज्यूम स्टडी स्टेट इन आर क्वेश्चन. तो ये जो प्रेशर जिससे ये हॉट एयर निकल रहा है, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द एम्बियंट एयर. एम्बियंट मतलब बाहर वाला एयर. ओके, अब वो प्रेशर कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है. अगर वो निकल गया तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके मुझे वी टू निकल जाएगा. राइट. अच्छा, व्हाट अबाउट रो? रो कैसे निकालू? आई नो दैट आई कैन राइट पी एम इज रो आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन. तो ये प्रेशर पी ए, वही प्रेशर अंदर भी पी है, ठीक है. सो फॉर एयर मोलर मास कॉन्स्टेंट, प्रेशर भी अभी कॉन्स्टेंट ही है. 300 केल्विन पे जो एयर आ रहा है प्रेशर पी ए पे, और 360 पे जो जा रहा है वो भी सेम ही है प्रेशर. तो पी एम कॉन्स्टेंट हो गया, तो रो इंटू टी कॉन्स्टेंट. सो रो टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये प्रोडक्ट इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो मेरा रो डेंसिटी कितना आ जाएगा? रो ए टी ए बाय टी. रो ए इज 1.2, टी ए इज 300 केल्विन यहां पर, एंड टी इज 360. तो कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट एज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. राइट, अ नाइस क्यूट वैल्यू फॉर डेंसिटी. तो ये मेरा रो का वैल्यू पता चल गया. बचा क्या मुझे? बस टी पी. एक बार पी निकल गया तो मेरा वी टू भी निकल जाएगा. ओके, ऑलराइट. सो पी निकालने के लिए दिस इज वेयर माई सोल्यूशन स्टार्ट्स टू डिफर फ्रॉम वॉट अदर्स हैव डन ऑन देयर यूट्यूब चैनल्स. जो प्रेशर पी निकालना है यहां पर, तो मोस्टली व्हाट अदर्स हैव डन इस यहाँ पे और यहाँ पे, दे हैव अज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दे हैव सेड दैट पी प्लस रो ए, बाहर रो ए है डेंसिटी, इनटू जी इनटू एच प्लस एच, ये पूरा हाइट शुड बी इक्वल टू द प्रेशर हियर विच इज पी ए. दिस इज हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसिडर करके. ऑलराइट, नाउ दिस इज वेयर आई डिसएग्री, बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है. द एयर इज फ्लोइंग, सो यू कैन नॉट अप्लाई हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन. एयर फ्लो हो रहा है अंदर, करेक्ट. तो इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट करेक्ट. वील सी हाउ टू डू इट द वे आई डिड एंड गॉट दैट आंसर, वो देखते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड वाई आई एम सेइंग हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शुड नॉट बी अप्लाइड हियर, बिकॉज ये यहां से यहां तुम अगर एक्सट्रीम लाइन कंसिडर करोगे एयर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है एयर का कुछ वेलोसिटी हो. इट्स नॉट एन इक्विलिब्रियम. ओके, सो लेट्स अज्यूम कि कुछ वेलोसिटी वी ए है यहाँ पर. ओके, वेलोसिटी वी ए से वो एंटर कर रहा है, ठीक है. सो इन अ राइट बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, कैन अ राइट कैन आई कंसिडर अ स्ट्रीम लाइन? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, लेट मी ड्रॉ इट, लेट से लेट मी ड्रॉ इट हियर. तो यहां से ऐसे स्ट्रीम लाइन्स आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रीम लाइन्स होंगे, ठीक है. तो लेट से यहाँ पे वेलोसिटी वी ए से एंटर कर रहे हैं. अच्छा, नाउ टू अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम हियर टू हियर, बिकॉज डेंसिटी इज अ कॉन्स्टेंट यहाँ से यहाँ तक, पूरा सब जगह यहाँ पे डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, तो आई कैन अप्लाई माई बर्नौली इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मान के. टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट मान रहे हैं अपन, दिस एम्बियंट टेम्परेचर टी ए, ठीक है. तो बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे लेट्स से प्रेशर पी ए है. सो लेट्स राइट पी प्लस रो ए जी इंटू एच प्लस एच, ठीक है, शुड बी गॉट. सो यहाँ पे वेलोसिटी मैं जीरो मान सकता हूँ, बिकॉज इट्स लाइक अ ह्यूज लाइक अ बिग क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज कमिंग इतने छोटे में, ठीक है. तो वो यहाँ पे ऊपर पे वेलोसिटी जीरो मान सकता हूँ, शुड बी गॉट. यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्रेशर पी ए प्लस हाइट तो जीरो लेवल मान लिया, एंड हाफ रो ए वी ए स्क्वायर्ड, ठीक है. सो दिस टर्म वॉज वॉट वॉज मिसिंग इन अदर सोल्यूशन, एंड वील सी इफ दिस इज नेग्लिजिबल, देन फिर ऑब्वियसली आंसर सेम आना चाहिए, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट नेग्लिजिबल बिकॉज आंसर अलग आ रहे हैं, ठीक है. ओके, सो हाउ डू वी कैलकुलेट वी ए? हाउ कैन वी रिलेट वी ए पॉसिबिलिटी टू वी वन? वी वन इज रिमेंबर द एयर फ्लो वेलोसिटी हियर एट दिस पॉइंट. तो ये वी ए से एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे वी वन है, यहाँ पे V1 है, ठीक है.
तो ये वी वन और वी ए को मैं कैसे रिलेट करूँ? नाउ दिस इज वेयर इट इज अ लिटल सटल, थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा. सो आई हैड पुट आउट अ वीडियो सीजन 3 एपिसोड 1 फ्रॉम द रेयर सीरीज ऑन कंप्रेसिबल गैस फ्लोस, जहाँ पे हीटिंग भी हो सकता है. तो वहाँ पे यू हैव टू बी लिटल केयरफुल. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप कैसे करेंगे. बर्नौलीज इक्वेशन जो मैं लिखता हूँ, मैं इन जनरल कैसे लिख सकता हूँ, p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन, ये लिखता हूँ. बट दिस इज ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एंड वेयर टेम्परेचर इज नॉट इन्वॉल्व, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग फॉर गैस. अगर मैं पर यूनिट मास देखूँ, तो अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड करूँ, तो दिस विल बी द एनर्जी पर यूनिट मास. सी बिकॉज हाफ रो वी स्क्वायर इज द सी हाफ एम वी स्क्वायर, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, हाफ एम वी स्क्वायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड बाय वॉल्यूम करूंगा, ठीक है, तो हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा. अगर डिवाइड बाय मास करूंगा तो हाफ वी स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, उसको मास से डिवाइड करूंगा तो कितना एनर्जी आ जाएगा, जी एच. सो दिस इज दिस आर ऑल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है. एंड ये सब मैं पर यूनिट मास क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज द मास दैट इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन स्टेडी स्टेट इज अ कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम अभी कॉन्स्टेंट नहीं है कंप्रेसिबल फ्लो में, इट इज द मास दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. एंड सिमिलरली पी बाय रो इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. तो ये कॉन्स्टेंट होगा इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो वेयर वेयर टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. बट अगर टेम्परेचर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो जैसे आइडियल गैस है उसका इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. सो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा, एक एन मोल्स का इंटरनल एनर्जी कितना होता है, एन सी वी टी डिवाइडेड बाय मास करूंगा, मास मतलब एन इंटू मोलर मास कर सकता हूँ. सो सी वी टी बाय एम इज द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, तो वो भी मुझे अकाउंट में लेना पड़ेगा इफ द टेम्परेचर इज चेंज, ठीक है. सो दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास पोजेस्ड बाय अ गैस. नाउ दिस इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग बिकॉज टेम्परेचर इज गोइंग फ्रॉम टी ए टू टी, 300 से 360 जा रहा है टेम्परेचर इस पॉइंट पे, ठीक है. तो टेम्परेचर चेंजिंग, तो ये भी मुझे अकाउंट में लेना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी आई कैन जस्ट क्लब दिस पी बाय रो एंड सी वी टी बाय एम को मैं कंबाइन कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज आई नो पी बाय रो इज आर टी बाय एम. सो यू कैन सी दैट पी बाय रो को आर टी बाय एम, आर प्लस सी वी तो सी पी हो जाएगा. सो इन दोनों कंबाइन करूंगा तो सी पी टी बाय एम लिख दूंगा, ठीक है. तो लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड राइट इट एज सी पी सब ना मोलर रेट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, पी बाय रो को आर टी बाय एम, सी वी प्लस आर एस सी पी, ठीक है. तो दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास. नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ कॉन्स्टेंट बिकॉज यहाँ पर वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी आर हीटिंग द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है. सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कितना हीट दिया जाएगा गैस को पर यूनिट मास, एन मोल्स के लिए कितना हीट दिया जाएगा, एन सी पी टी माइनस टी ए, टेम्परेचर इज गोइंग फ्रॉम टी ए टू टी, तो एन मोल्स के लिए इतना दिया जाएगा. पर यूनिट मास कितना हीट दिया जाएगा, कितना फर्नेस हीट दे रहा पर यूनिट मास, तो डिवाइड बाय एम इज मोलर मास, टोटल नंबर ऑफ मास, दिस टोटल मास. तो सी पी टी माइनस टी ए डिवाइड बाय एम इज द टोटल हीट गिवन पर यूनिट मास बाय द फर्नेस. सो कैन आई राइट, सी दिस इज द एनर्जी पर यूनिट मास, बट दिस इज नो लॉन्गर अ कॉन्स्टेंट एज द एयर एंटर्स द फर्नेस बिकॉज ऑब्वियसली फर्नेस इज गिविंग इट हीट. तो कितना हीट दे रहा है फर्नेस, इतना हीट दे रहा है, सी पी टी माइनस टी ए डिवाइड बाय मास इज द हीट गिवन बाय द फर्नेस पर यूनिट मास. तो दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है. सो चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा, ये कैपिटल एच हाइट है, करेक्ट. सो आई हैव जी एच, ठीक है. वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वी वन, यहाँ पे वी वन है, यहाँ पे वी ए है, तो कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हाफ वी वन स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, अच्छा. प्लस ये जो एनर्जी है वो ये वाला टर्म वो भी कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, टी ए से टी चेंज हो रहा है, आई हैव प्लस सी पी. आई होप यू अंडरस्टूड, आई हैव रिटन द एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट मास इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी पर यूनिट मास, ईच टर्म को मैंने चेंज लिखा, ठीक है. तो यू कैन सी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी वन एंड एच. देखो क्या आ रहा है रिलेशन, आई गेट वी वन स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज टू जी एच, उल्टा सॉरी, वी ए स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज टू जी एच. सो सी आई हैव वी वन स्क्वायर इज वी ए स्क्वायर प्लस सॉरी वी ए स्क्वायर माइनस टू जी एच. अपने को एक्चुअली क्या चाहिए, आई नीड वी ए स्क्वायर हियर, राइट. सो लेट मी एक्सप्रेस वी ए, ये दो मेरा मेन इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला.
तो इसमें से मुझे वी ए स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है, कितना निकल रहा है देखो, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस टू जी एच. ऑलराइट, ओके, सो लेट सब्स्टिट्यूट दिस हियर एंड गेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट. तो वो सब्स्टिट्यूट करके मेरे को प्रेशर कितना आ रहा है देखो, पी प्लस रो ए जी एच प्लस एच इज इक्वल टू पी ए प्लस हाफ रो ए वी ए स्क्वायर. वी ए स्क्वायर मतलब वी वन स्क्वायर प्लस, अब यहां पर वी ए स्क्वायर में वी वन स्क्वायर प्लस टू जी एच, टू जी एच इंटू रो ए, टू टू कैंसिल हो जाएगा प्लस रो ए जी एच, और ये रो ए जी एच और ये रो ए जी एच कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर आई विल गेट माय प्रेशर हियर एज पी ए प्लस हाफ रो ए वी वन स्क्वायर. ऑलराइट, सो दिस इज द प्रेशर दैट आई विल गेट एट दिस पॉइंट, वेयर एज अदर्स हैड गॉटन दिस प्रेशर, अदर्स हैड गॉटन प्रेशर फ्रॉम दिस इक्वेशन. ऑलराइट, सो इन माय ओपिनियन, अच्छा हाँ, ये एक और टर्म यहाँ पे मिसिंग है, रो ए जी स्मॉल एच. तो ये मेरा प्रेशर मिलेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव डन. नाउ ऑल दैट इज लेफ्ट इज सब्स्टिट्यूट दिस पी हियर. ओके, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस पी हियर, पी ए कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मुझे वी टू चाहिए, करेक्ट, तो वो खुद कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट दिस प्रेशर इन दिस हियर एंड सॉल्व फॉर वी टू. तो आई जस्ट राइट डाउन व्हाट यू गेट एज वी टू, यू विल गेट इट एज टू जी एच, ये मिल जाएगा. ऑलराइट, एंड वंस यू कैलकुलेट दिस, आई नो रो ए का वैल्यू कितना है, किधर गया रो ए, 1.2, रो इज 1, सो ये बन जाएगा रूट 2 इंटू 10 इंटू एच इज 9 मीटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हाइट 9 मीटर्स दिया हुआ है, इंटू 1.2 बाई 1 माइनस 1, सो इंटू 0.2. ऑलराइट, तो ये देखो 20 इंटू 9 इज 180, 36, एंड यू विल गेट अ नाइस क्यूट रिजल्ट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, एंड अदर्स वर गेटिंग रूट 60. सो वही देख के मुझे लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ है, बिकॉज जेई विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू कैलकुलेट रूट ऑफ 60 इन द एग्जाम आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस मेहनत. सो मुझे लगा कि शायद रूट 60 वाला आंसर देख के जो बाकी लोग को आ रहा था यहाँ पे V2, तो वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा. एनीवे आई गॉट V2 as 6 मीटर पर सेकंड, एंड अल्टीमेट अभी मुझे चाहिए कि आई नीड द मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, विच इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आई कैन राइट मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एज रो इंटू द क्रॉस सेक्शन एरिया, रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट. वॉल्यूम फ्लो रेट इज एरिया इंटू वेलोसिटी. कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर, उसका डायमीटर स्मॉल डी दिया था, इनटू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज v2 जो अपने को निकल गया. दिस इज द मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड दिस यू विल कम आउट टू, इफ यू कैलकुलेट इट यू विल सी इट इज 47 पॉइंट ग्राम्स में करना था, किलोग्राम में करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई करना था, ग्राम्स में करना था, तो ये मेरा आंसर आ रहा है. राइट, सो इन माई ओपिनियन दिस इज द वे टू सॉल्व इट करेक्टली. थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये वेलोसिटी V2 में मुझे 6 आया था और बाकी लोगों को रूट 60 आया था, विच इज 7 पॉइंट समथिंग क्लोज टू 8, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे अज्यूम्ड हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, विच आई थिंक इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्वियसली होगा. राइट, ऑल इन ऑल दिस वॉज अ क्वेश्चन टू बी लेफ्ट, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, थिंक ऑल ऑफ दिस, डू इट इन 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, एंड देन वी डोंट इवन नो येट कि जेई क्या इंटरप्रिटेशन करेगा. हो सकता है जेई माइट गिव दिस एज द करेक्ट आंसर, आई डोंट नो. इन माई ओपिनियन दिस इज द वे टू करेक्टली डू इट, द फिजिक्स, आई होप यू अंडरस्टूड द फिजिक्स, बट एनी वे ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए था. आई होप, होप तो नहीं है, बट आई विश दैट जेई पेपर सेटर्स वुड बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड गिव देयर सोल्यूशन, कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं फॉर टू हेल्प फ्यूचर स्टूडेंट्स. आई एम ऑलरेडी मेड अ वीडियो, थोड़ा सा रैंट वीडियो की तरह था पहले, बिफोर जेई एडवांस 2023, बिकॉज ऑफ ऑल द बोनस मार्क्स आर कमिंग. हो सकता है ये क्वेश्चन बोनस हो जाए, वी नेवर नो. राइट, इन एनी केस, इफ यू आर अ जेई 2023 एस्पिरेंट, रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ. इफ यू आर अ जेई 2024 स्टूडेंट, ऑल्सो रिलैक्स, बट कीप वर्किंग हार्ड. दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू एट द टॉप. गुड नाइट.